अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। रातर साहब जिंदाबाद। अमित साहब आगे बढ़ो। जमीन पाव बाहर गई क्योंकि बाहर ही जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी कैसानी से जनता बुखारी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बेशेर ब्रेन अब्दुलीम राजन साहब चौधरी मेरा भाई उन्नीस भाई उन्नीस साहब जिंदाबाद खास कर तो 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 गुजारिश करें दराज यहाँ पर। शुक्रिया शुक्रिया आपको बहुत बहुत मुबारक हम सब की तरफ से। मुबारकबाद दिवन की ये आई आज ये सैनिस दायरस मे गई शामिल कुर्सी पे पत् वो आराम सान तुम वालेकुम सलाम जिनकेस पंच अरो पोरा मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुबारकबाद मोहम्मद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजिब एहतराम सोन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुलरहीम राठौर साहब चौधरी हमीद साहब बीडीसी नव अस्सी हमरल मोहम्मद यूसुफ शान साहब बेचा हमशेर सानि कोर सानि बेचारे नानाजी साहब मुजफर साहब तमीसुल इस्लाम साहब फारूक साहब जेजत नफर से खास कर सारी खो जेजत तुम यन ब्रोह कन बेटे अन अपना इंसान कत बोजान बुजती सयासत वन तह ग्रीस ग्रीस पे करो कह नेशनल कांग्रेस पी डी पी अद सोज पी डी पी आ ब्रोह कुन गई पी डी पी नेशनल कॉन्फ्रेंस आ ब्रोह कुन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी इंसान वुचान इंसान सन जिंदगी कशमकश कशमकश मंसान दपान कब्रे मज वसान वसान तुझे इंसान हेचन नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस मे पी डी पी वाल पी डी पी मे कांग्रेस हो कांग्रेस मे सारी हेच द्रव सारे खुद नाबकार इंसान गो सूस नाई सबक लगे योतन चु तुम सुमा पी तुम सबक लोट योतन ये गई तबक आ
जल पत्र सबक लोग नौ कर्न गा पता आज कह इंसान पे यूसुफ सबन वो आव तम सब वो बहु मोतमुत बह तुल तम तीन वन ना तथे पे कैंसो इंसान बुढ़ लेख तमो दोतमुत मोतमुत मगर मरा पात आफरीन तुम पन पान मर्द सफल समझ तुम वन अकिस नईस तलाशस मा तुम सारी चु नईस तलाशस मिस नईस तलाशस म ये कस क्या पान दिमो दपान तम सुद पोशाक नमी ईज तो वन सारी कश्म कश मान पकान हमत करान कि करो कह नो कह हासिल अल्लाह तला से यह तो मंगन परवर पतम मंदित तथ मंदित दिन अजा तौर तो तथान तक करो वर्णा कि खुद दिल सान करो तुम खत हर चु मौसम तकाल पे चेंज करो योतन यन पे होतन कर मुनजम तुम सत तफसी कत कर क्या चीज से मुख्य वन तुम वनो तोच दर गोच पात वाले पर लोगों ये नजर से दिवान अब्दुलरहीम राठौर साहबने करोड़पति गोड़े नो कमो नें बस प्रोन को आज बात ये नजर दिवान बशीर साहब प्रागमस कुन करोड़पति इंसान और आज मे बसान आज आज बराबर करोड़ कह अगर वो सईद अल्ताफ बुखारी कुन दह बिजनेस चलचूनों मज बिजनेस अपनी पार्टी सब गई अपनी पार्टी और तुम गुजारिश कर साशर सुन सोरी क्या लुटाई दिल्ली वाल गई तम साथ का जो सुख तम साथ बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्होंने शान साहब ने बता दिया कि इनको 12 साल में कांग्रेस में क्या कुछ इनका तजुर्बा रहा वो इन्होंने बता दिया और खाली कांग्रेस नहीं है और भी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या कांग्रेस कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं ये तो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है अब्दुलरहीम राठौर साहब है मैं इनसे जुड़ी हूँ मैं भी आपकी तरह एक अदना इंसान हूँ तो मैं इनसे जुड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मैं इलाके कुकरनाक में क्या चीज़ है मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने कायद अपने लीडर अब्दुलरहीम राठौर साहब से कि हम सब एक उम्मीद से आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि ये पार्टी बिल्कुल नई है इस पार्टी का मंशूर या हमारे जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब हैं उनकी पार्टी का मंशूर जानने के बाद जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता है जैसे हमारी जो लैंड प्रॉपर्टीज जो हमारी है उसका तहफ़ जो इन्होंने पार्टी के मंशूर में रखा हुआ है एक वो है दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो आसमां पे है हमारे नौजवान स्पेशली अगर मैं बात करूँ कोकरनाग एरिया की बड़ी हैरानगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सारे बच्चे लगभग हर गली में आपको मिलेंगे जो बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है ये सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ पे हमें पैसे नहीं चाहिए आज हमें बिजली नहीं चाहिए आज जम्मू कश्मीर के लोगों को राशन कार्ड की लड़ाई नहीं है आज शिनाखत की लड़ाई है आज लड़ाई हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है और हमारे बच्चे जो ड्रग्स में मुब्तला है उनको जिंदा रखने की है जब भी कभी मैं बात करती थी कांग्रेस बात बोलूँ जब भी कभी हम अपने हक और हकूक की बात करते हैं वहां पे दबाया जाता है जैसे हमारे स्कूल बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकल गए आगे उनको टंगदार बारामूला कौन कौन से कब्रिस्तानों में दफन किया जाता है हमें पता नहीं होता है तो हम इस भरोसे से जुड़े हैं अपनी पार्टी के साथ कि हमारे नौजवान बचेंगे हमारा कल बचेगा इकोनॉमिकल क्राइसिस कश्मीरी ने कभी नहीं देखे कश्मीरी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो ईमानदार लीडर की सूरत में हमें अब्दुल रहीम राठौर साहब मिले हम पहले इनको जाके पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब इस्लामाबाद और बहुत पूरे होप सान सारे पोलिटिकल पार्टियन ये पर आज मैसेज दून आप भी तैयार रहो हम भी अब इलेक्शन के लिए तैयार है आपने अब लोगों को बहुत तो दबाई सोन गरीब लोगों वाले लेकिन आप हम इन लोगों को दबने नहीं देंगे ये याद रखना बहु पड़े लीडर सब बड़े लीडर योर इलेक्शन लड़ने खतरे आमित इनशालामन आपको ऐसी हार मिलेगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी ये आपको कुकरनाक में वादा कर रहे हैं कि आप लोग खड़े रहो आपके लिए तुम सतन वर्यन पे पत्म सतन वर्यन में तुम अजाब करूँ वो हम इनशालामन शुक्रिया हमारे स्टेज पे बैठे हैं यहाँ पे बशीर अहमद वानी साहब हमारे सूबाई सेक्रेटरी है फारूक साहब नौजवान लीडर हमारे मुजफ्फर खान साहब हमारी बहन है यहाँ पे परवीना जी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी से शुभी जान जी हमारे ऑफिस सेक्रेटरी है इशफाक साहब
यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ शान साहब हैं, हमारे फारूक साहब हैं डूरू से, सुबिया जी हैं यहाँ पर, ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग, तो इन देह प्रेसिडेंट साहिबान तो इन सब तो शायद नहीं सुबह तरफ बे तो शायद नहीं एक लट अस्सलाम वालेकुम बात मगर बे पड़े वो थकावट तो सुबह पड़ प्रारण पे लगे रूद फिर लगन दपन ये कह प्रोग्राम ग रूद लागे दपन रूद रहमत और असान इंतहाई मशहूर कि ये सब्र सान सुबह पे तो ये बोजन अच्छे सख्त दाद दिवन बह कर कोशिश यह रहम आराम से चलान बह कर कोशिश मकसद मज आज मे कत वन गोड़ कर सोच मे वोट कर ताय आजत डी डी सी चेयरमैन शांस बुनियादी तौर एस टी तबक से तल्लुक थान मगर कतर पे तुम बासोवा क्यों क्या बहन रतन ये रोजन वो यह एज टूरिस्ट योर इन दौन रतन रोजन खुद कत कर तकरीर कोर काफी मेहनत कर चेयरमैन डी डी सी ड्रिंग फरमीना जी अच्छे सुन दना जी वातल जी इन तहसील कत कर मुजफ्फर खान अच्छे इन शामिल सपदे ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरा म्यूनसिपल काउंसिल मेम्बर्स तो तुम सारी सोन साथी तुम पे एक लट शुक्रिया कर असलाम वालेकुम पेश कर बह कर छोटस मज मजा चूंकि मौसम जो आखिर बुसान तुम मजीद तकलीफ दिन कह कर मेरे साथियों वजात बेचन में ज्यादा वजात करने की जरूरत कह मगर और इस तबाही तुम आज वो यह कर् नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस रलित मिलित और पी डी पी दु तुम सा क्या तुम पता सप्त मुआफिज वन कॉन्फ्रेंस वे आज गए तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वन कि अगर तुम सत्तन वर्न साथ दु और तुम वो अस सप्त हिफाजत कर तुम कत त्रे सत्त तुम गन कि पार्टियन चुन खुदा गवा अकवा मकसद सह गोदार जिमन इकतदार बात पे इन पौजा तलस पे तुल सू तिलन मगर इस जन अपनी पार्टी से अपनी पार्टी हूं वजूद चाहिए खतर आमुत कि असन जन मुफात पर सियासत अत ग खार बात ग ये गुज सियासत चलन असन ती ग लूकन वन युन यह करो असन ये लूकन गुस आसाइश मिले आराम मिल तकलीफ गुसुक मिल ग सख्ती नीचे यह आजाद ग लिहाजा मेन तुम अक गुजारिश कि अलम तुल यह अत मे तुंद खुद खुदा रसूल मे तेन साथियन तु जज्बो यो कि रित पा गूकन खदमत ग जज्बो यो कि गुर्बत इसका मकसद यही है कि आज वक्त की जरूरत है जो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पी डी पी ने कांग्रेस ने और भाजपा ने कश्मीरों के साथ किया है 1947 से जो चल रही है चल रहे हैं हमारे मामला कश्मीरी हर तरह से पिस रहा है भाई हमारा लड़का बाहर के स्टेटों में सेफ नहीं है कहीं हमें दूसरे दूसरे नाम दिए जा रहे हैं तो इसकी वजह से इसका एक ही हल है कि एक नई पार्टी का सोच के साथ लोग जुड़े और उस पार्टी को मजबूत करके इन पुरानी तमाम सियासतदानों को एक ही बार जवाब देने का मकसद ये नहीं है बाकी वही होता है जिसको उस तंजीम में जिस तंजीम में वो होता है वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम लगे शायद अल्ताफ़ बुखारी को भी यही उनके मसले जो इकतदार उन्होंने जोड़ा जब भाजपा के साथ वो उससे तंग आ चुका था और जब दूसरी बार मोहब्बत जी ने उनके साथ कोलिशन की तो अल्ताफ़ बुखारी का धड़ा पूरा वहाँ से किनारा कश चले सर ठीक है सर मुख्य बताए प्रोग्राम के हवाले से आज हमने यहाँ मीटिंग रखी थी कोकरनाग में पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरनाग की और जो इसमें नए अब चूंकि कुछ हिस्सा डूरू के साथ मिला है कुछ हिस्सा शांगस के साथ मिला हुआ है उन साथियों को आज हमने बुलाया था और इंदौर हमने टाउन हॉल कोकरनाग में मीटिंग रखी थी चूंकि वहाँ लोग जमा नहीं हो सके
और मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ा। और अब चूँकि आप देख रहे हैं कि बारिश में भी हमारे साथी यहाँ चेयरमैन का बहुत मजबूर, तो मकसद यही था कि अपने साथियों तक हम एक तो अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो हम तक पहुँचाएँ। और फिर जैसे आपको आप भी जानते हैं कि शायद इलेक्शन का प्रोसेस भी करीब ही रहता है, तो अपने साथियों को हमें उधर ही करना है। मैं आपसे ही सवाल करूंगा, आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए जहां आपको लगता है कि हमारी बीजेपी के साथ कोई नज़दीकी, एक मिसाल मुझे दे दीजिए। और बल्कि हकीकत ये, मेरे पास, मुझे पता है कि आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है, हकीकत ये है कि हम 2020 में दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर की दावत पर, और प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दे दी, हम वहाँ गए लेकिन कुछ लेके आए। हमने वहाँ ये जो यहाँ की मुलाजमतें इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर एडवर्टीजमेंट शुरू किया था, हमने उस पर रोक लगवा दी। हमने यहाँ रोक लगवा दी, ये जो ज़मीन बेचने और ख़रीदने का हमें डर लग रहा था, रोक लगवा दी। इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अपनी पार्टी सब पार्टियों से सब करेगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की चाहत से इंशाल्लाह अपनी पार्टी इंतजार में आएगा। बिल्कुल मेरे जहन में था, जहां मुझे लगता था मैं तनकीद करता था, जहां मुझे लगता था मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप, जिस टाइम जब मैं उस पार्टी में था, मैं लीडरशिप उस टाइम रिजाइन क्यों नहीं किया, मैं लीडरशिप तक अपनी जो आवाज़ है वो पहुंचा रहा था। अब रिज़ाइन करने की बात आप कहते हैं, अगर मैंने रिज़ाइन किया होता तो आप ये कहते कि आप वहाँ क्यों नहीं रहे, वहाँ ही रह के क्यों नहीं सुधार किया। हमारी यही कोशिश थी, जितने भी साथी हम वहाँ थे, हम चाहते थे कि पार्टी में रह के अपने लीडरशिप को हम उस तक आवाज़ दे देंगे, उस तक आवाज़ पहुँचाएंगे और तब्दीली लाएंगे। बिल्कुल हटके होगा, और बल्कि जो हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई होगी वो हम दिल से कहेंगे, वो हम खाली जबान से कहेंगे, वो हम लाएंगे। जी शुक्रिया सर।